नमस्कार दोस्तों, मैं फन फूड से। आज हम पनीर की सब्जी बनाने जा रहे हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, इसमें हमें क्या क्या ज़रूरत लगेंगी हमें, तो सबसे पहले हमें ग्रेवी बनाना है। तो ग्रेवी के लिए हमें जो सामान हमने लिया है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ अदरक और मिर्ची, प्याज, टमाटर, इनका सारा हमें पेस्ट बनाना है। और यहाँ मैंने खसखस ली है और यहाँ तरबूज के बीज और बादाम। आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप मूंगफली के दाने भी ले सकते हैं। हम सबसे पहले इन्हें हम गला देते हैं, तो ये खसखस गला देते हैं और ये दोनों चीज़ें, बाकी हम सामानों का हम साफ करके इन्हें पेस्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें ये सारी चीज़ें गला देनी है, तो हमने ये खसखस गला दी। कम से कम ये हमें आधे घंटे के लिए तो हमें गलाना ही पड़ेगा। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है तो आप इसमें गर्म पानी का यूज़ कर सकते हैं, तो ये आपकी जल्दी ये चीज़ें हो जाएंगी, खसखस फूल जाएगी और ये चीज़ें भी हमारी जल्दी से फूल जाएंगी, तो हमें पीसने में आसानी रहेगी। तो सबसे पहले हम इन्हें साफ करके इनका टमाटर का पेस्ट बना लेंगे और अदरक मिर्ची का पेस्ट बना लेते हैं, और इसके बाद हम ग्रेवी को तैयार करेंगे। अब यहाँ हमने सारी सब्जियों को साफ करके बना लिया है, अब हम इनका पेस्ट बनाने जा रहे हैं। तो ये हरी मिर्ची मैंने चार डाली है, यहाँ प्याज ले लेती हूँ, यहाँ मैंने छोटी छोटी प्याज ले रखी है। तो यहाँ दो प्याज मैंने यहाँ कंप्लीट करी है और मैं इसे पीस लेती हूँ। प्याज का पेस्ट तैयार हो गया है। अब इसमें मैं टमाटर को पीस ले रही हूँ। ले लिया है, हम इन पनीर को हल्का सा गर्म पानी में इसे चढ़ा देते हैं, तो इससे इसका सॉफ्टनेस बढ़ जाएगा। तो ये हमने गर्म पानी में, ये गैस पे हमने रख दिया है, और दो मिनट हम इसे हल्के से पानी में गर्म होने को रख देते हैं, तो इसका सॉफ्टनेस उसमें आ जाएगा। लीजिए, अब हम इसमें इसकी हम ग्रेवी बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कुकर रख दिया है, नॉन स्टिक कुकर है, जिसमें हमारे मसाले चिपकेंगे नहीं और आसानी से हमारी ग्रेवी बनके तैयार हो जाएगी। लीजिए, मैंने तेल डाल दिया है। और मिर्ची, हरी मिर्ची का पेस्ट आधा सिक गया है, अब हम इसमें खसखस और बादाम का पेस्ट डाला है, तो इसके साथ हम ये सेक लेंगे, क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा कम सेकने की होती है, तो हमने आधी
प्याज का पेस्ट सेक लिया और अब इसके साथ इसको सेक रहे हैं। अब हमारी ग्रेवी बनने के लिए तैयार हो रही है और इसको हमें कम से कम 5 मिनट हमें मीडियम आंच पे सेकना है। आपको अगर तेल कम लग रहा है तो आप तेल डाल लें और अपने आप दोस्तों ये हमारा मसाला सिक रहा है। इसमें हमने खसखस और तरबूज के बीज का पेस्ट डाल दिया था तो ये हम इसे सेक ले रहे हैं। आपको इसमें कम तेल ज़्यादा या कम लगे तो आप अपने हिसाब से बड़ा भी डालें और ग्रेवी में वैसे भी तेल अधिक लगता है, बस इसे आप चिपकने ना दें और हो सके तो किसी भी मोटे तले की चीज में ही बनाएं। और नॉन स्टिक में अगर बनाते हैं तो उसमें ये चीजें कम चिपकती हैं। हमारा मसाला सिक गया है, अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं। तो मैं यहाँ हल्दी डाल रही हूँ, धनिया पाउडर, लाल मिर्च, खड़ा गरम मसाला आप पीस लें और ये नमक, ये मैंने पैसा यूज किया है। आप इसमें खड़ा गरम मसाले का पानी भी यूज कर सकते हैं। हमारा मसाला इसमें सिक गया है, अब इसमें मैं ये टमाटर की जो हमने पेस्ट बनाया है उसको हम मिला देते हैं। लीजिए दोस्तों ये हमारा टमाटर इसमें डाले थे, उसने तेल छोड़ दिया, यानी हमारे टमाटर तैयार हैं। अब हम इसे जितना पतला और गाढ़ा करना चाहें आप डाल दें। मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, थोड़ा सा मुझे रसीली चाहिए ग्रेवी तो मैं यहाँ पानी डाल रही हूँ। ये मैंने यहाँ पानी डाल दिया, आप यहाँ पानी की जगह दूध यूज़ कर सकते हैं, दूध से इसका और टेस्ट बढ़ जाएगा। मैंने यहाँ पानी का यूज़ किया है। ये हल्की सी मैं इसमें हींग डाल देती हूँ, हींग का स्वाद, सो हमारी टेस्टी सब्जी बनेगी। और दोस्तों हम जब तक ये चुड़ती है हमारी ये ग्रेवी हमारी जब तक हो रही है तब तक हम बगल में पनीर को हम हल्का सा तल लेते हैं। लीजिए दोस्तों हमारे ये पनीर के पीस हमने तल लिए हैं, हल्का सा हमने ब्राउन हुआ है, हमने ज़्यादा नहीं सेके हैं। ये सारे पीस हम निकाल के हमारी ग्रेवी जो तैयार हो गई हम उसमें डालेंगे और इसके बाद 2 मिनट बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो दोस्तों आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। लीजिए दोस्तों हम अब इसमें ये हम इसमें ग्रेवी में ये हम पनीर को ये हमने मिक्स कर दिया। अब हम इसे 2 मिनट के लिए और इसमें चलाएंगे ताकि ये हमारे जो पनीर हमने सेका है वो सॉफ्ट हो जाए। लीजिए दोस्तों मेरी ये पनीर
पनीर की सब्जी तैयार है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको जैसे मेरी ये सब्जी अगर पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक करें, अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ये हमारी पनीर की सब्जी तैयार है। मैं इसमें गार्निश के लिए धनिया डाल रही हूँ, और इसके ऊपर आप प्रेजेंटेशन के लिए हमारी सब्जी किसी को, हम मेहमान को देंगे या फिर हम घर में ही खाते हैं तो देने में अच्छी लगती है, तो ये आप उसके ऊपर पनीर किस दें और फिर सर्व करें। ये लीजिए हमारी पनीर की सब्जी तैयार है। थैंक यू।